नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं समय एसआरबी न्यूज और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं भुजन कुशवाहा। जैसा कि हम आज मौजूद हैं झांसी जनपद के चिरगांव कस्बे में, और मैं चिरगांव कस्बे के गल्ला मंडी में आज मौजूद हूं। इस समय दीपावली का दौर है, दीपावली के आज पर्व के दिन यहां आतिशबाजी दुकानें वगैरह लगाई गई है। आपको पूरा दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ दुकानें लगी हुई है, लोग किस तरीके से यहाँ आज आतिशबाजी का खरीदारी कर रहे हैं। लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ प्रशासन ने भी व्यवस्था बनाई है कि कहीं ना कहीं भीड़ एकत्रित ना हो और भीड़ को एकत्रित ना करते हुए देखा जाए। और यहाँ इसीलिए बड़े ग्राउंड में यहाँ मंडी के स्थल में यहाँ आतिशबाजी का दुकानें लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ बाजार से काफी दूर है। चलिए आपको दिखाते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए यहाँ किस तरीके से यहाँ दुकानों को सजाया गया है। और हमारे साथ यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पुलिस प्रशासन भी दिखाता है लोगों की, देख रहा है कहीं ऐसा ना हो लोग आतिशबाजी के साथ साथ यहाँ कोई भीड़ एकत्रित हो या कोई झगड़ा का माहौल बन सके, घटना कर सके। इस प्रकार पुलिस चिरगांव पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है, सड़कों पर भी है, चौराहों पर भी है। आप देखते रहिए, आप देखोगे यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं काफी दुकान में भीड़ लोग हैं और यहाँ लगातार यहाँ आतिशबाजी के लिए लोग, आज त्योहार का दिन है, आज दीपावली की हर घर में पूजा होने के महालक्ष्मी जी की, फिर भी लोग यहाँ दुकानों पर भीड़ लगा आतिशबाजी खरीद रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ दुकानदारों से भी बात करने की और कोशिश करूंगा खरीदारों से। हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए हैं, जरा बात करें। चाचा आपका नाम क्या है? अपारा का नाम। चाचा आज अब दीपावली का दौर है और यहाँ मंडी जो यहाँ कहाँ मेल मिलता होगा गल्ला मंडी में, यहाँ गल्ला मंडी में त्योहार के दिन भी लोग यहाँ खरीदारी देखने, यहाँ दुकान कितने दिन से लगाई गई? अच्छा कल से ही दुकान लगी है। आप यहाँ क्या करने आए हो? अच्छा बच्चों के लिए फटाका, आप देख रहे हो दादाजी अपने बच्चों के लिए फटाका लेने आए हैं। वो पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है, आप फटाखा लग रहा है मिला हो रहा है? अच्छा यहाँ से आप फटाखा लेकर जाओगे घर पर, पूजा पाठ होगी ना? अच्छा लोग हमारे साथ कोई युवक नहीं छोड़ा। अच्छा कहाँ से हो? भगवान डेरा। अच्छा ये बार इस बार पिछले बार में फटाखा बेचे, वो इस बार क्या है रेट में कुछ है? देख रहे हो बच्चों का वो यहाँ 300 रुपए का सामान है, 100 का सामान, ज्यादा सामग्री नहीं है। पटाखा गोला मोला वगैरह देने में और भैया बच्चों के लिए है। आप देखिए महंगाई के दौर में काफी यहाँ लोगों को किल्लत सामना करना पड़ रहा है और यहाँ लोग आप देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा दुकानदारों से ही बात करने की। चलिए हमारे साथ बहुत भैया जुड़े हैं, आइए भाई बोल रहा हूँ, शर्मा रहे हैं भाई, हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए, देखते रहिए लगे बढ़िया बढ़िया। त्योहार का दिन काफी भीड़ आई हुई है, कैसी बिक्री हो रही है? देखिए हमारे दुकानदार बता रहे हैं भैया कि काफी 3 दिन से लगातार ऐसी भीड़ हमारे यहाँ लगी हुई है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और लगातार लेने जा रहे हैं।
ऐसी दुकान पर चलते हैं जहाँ भीड़ कम हो, जहाँ बात करेंगे तो अपने नारों से आइए। यहाँ भी आप देख सकते हो बात करेंगे तो आप देखते रहिए। यहाँ भी दुकान अब खत्म होने को है, बंद होने जा रही है। लोग बता रहे हैं दुकानदार किराना को सिंधरी को भरतपुरा से लोग आए हैं। आगे किसी दृश्यों को दिखाते रहे। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं दूसरी दुकान पर है लगातार, वे खड़बड़ी की दुकान भी आपने देखा होगा। यहाँ भी भीड़ है, मैं जहाँ जा रहा हूँ लगभग वहाँ सभी दुकानों में भीड़ है। चलिए दर्शकों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं हमारे एसआरबी न्यूज के माध्यम से, यहाँ दुकानदार भी बता रहे हैं 3 दिन से लगातार हम यहाँ बैठे हैं, ऐसी भीड़ लगातार है और लोग जबरदस्त यहाँ सेलिंग भी हो रही है। और बताया जा रहा है कि परसाल की अपेक्षा इस बार फटाके की कीमत थोड़ी कम है। हम और भी लोगों से रूबरू होंगे, और भी लोग जानते हैं कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक लोग आ रहे हमारे साथ। देखिए नरेश तिवारी, अच्छा कितने सालों से यहाँ मंडी में दुकान लगा रहे हैं? 5 साल। 5 साल पहले से पहले तुम्हारे के बारे में? नहीं, कभी नहीं, मंडी में 5 साल से लगा रहा हूँ। लेना था जल्दी, लगता है कि माल तो घर चले आए अपना चलाएंगे। बढ़िया बढ़िया रहा, एक नंबर रेट सब है, जब जिसका जैसा पैसा उसके लिए वैसा रेट। हाँ, किसी की दीपावली अधूरी रह रहा है, हमारे सब सबके लिए सब कुछ है। दुकानदार मौजूद है कि उनकी कहना है कि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन फटाकों से अछूता न रहे। मेरी कोशिश है कि हर व्यक्ति तक फटाका पहुंचे, चाहे वो मुझे उस पर ज्यादा लाभ ना मिले,
फिर भी मैं लोगों को मुआवजा देने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया का नाम सिवारे, नरेश सिवारे, नरेश सिवारे जो कि चिड़गांव से ही है और लगातार 5 वर्षों से फटाकों की दुकान लगा रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि मैं कैमरा से चाहूंगा कि यहाँ दिखाएं कि डोलियों में भी फटाखा कम बचे हैं। यहाँ अनार भी है और कुछ चकरी वगैरह भी है, कुछ और भी दीवार फटाखा काफी है। आप देख पा रहे हो यहाँ एक दुकान पर काफी दुकानदार मौजूद है, काफी लोग हैं, इनकी टीम बड़ी है, फिर भी लोगों को नहीं बुझा पा रहे हैं। ऐसी यहाँ सेलिंग, हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार आपको दिखाएंगे चिड़गांव मार्केट, आज फटाके आतिशबाजी की यहाँ गल्ला मंडी चिड़गांव के सीन। नमस्कार, अब मैं पहुंच चुका हूं अमरा और वह अमायरा फैंसी आतिशबाजी। चलिए यहां भैया से बात कर लेते हैं, क्या है, पूरा कोशिश करेंगे हम बात करने। भैया, भैया क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम अमित देवी जी। भैया क्या है, कितने दिनों से आ रहा दुकान लगी है? 3 दिन। 3 दिन से दुकान लगी है, सभी जगह 3 दिन से ही परमिशन होती है। क्या है, कितने सालों से यहाँ लगा रहे हैं? पहली बार से। अच्छा, इस वर्ष कैसा लगा आपको दुकान में यहाँ लगाने से? कैसी सेलिंग चली आपकी? बढ़िया चली। लोगों ने कैसा रिस्पांस दिया आपके, मतलब रेट वेट में क्या क्या रिस्पॉन्स दिया? अच्छा, क्या क्या आपके हैं वैसे, आप कुछ आइटम बताओ मैं सबसे उनके क्या आइटम रहे आपके? दर्शकों, जैसा कि हमारे यहाँ योगी जी ने बताया है, भैया अक्षय योगी शर्मान जी यहाँ काफी लोग इस दुकान पर रहे हैं और बता रहे हैं कि अच्छी, पहली बार मैंने दुकान लगाई है तो काफी संख्या में यहाँ आतिशबाजी सेलिंग हुई है, बिक्री हुई है। और भैया से बात कर लेते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या ये आज जो आज का दिन है, आज लास्ट अंतिम दिन है, और इस दिन के अलावा क्या आपके यहाँ कोई आतिशबाजी मिलेगी? क्या कहाँ मिलेगी दर्शकों को? अच्छा, आपकी दुकान कहाँ लगती है? बाजार में? किस नाम से आपको? अगर किसी दर्शकों को और कोई चाहिए है कोई आतिशबाजी वगैरह तो आप दीपावली के बाद ही मिलेगी दर्शकों? जैसा कि लोगों ने यहाँ बता रहे हैं भैया कि अगर आपको दीपावली के बाद भी कोई अगर गोला बारूद या कोई वैसे फटाखा वगैरह चाहिए हो तो आप बिल्कुल बेहचक होकर चिड़गांव मार्केट में आइए और मेन बाजार में अमायरा फैंसी आतिशबाजी के नाम से इनकी दुकान है, आप वहाँ सामग्री उपलब्ध मिलेगी। लगातार मिले रहिए हमारे साथ। और ये बरसों पुरानी दुकान के नाम से यहाँ लगी हुई है कल्ला मंडी चिड़गांव और इसका नाम है अनी फटाका स्टार। लेकिन यहाँ पे भीड़ है लोगों की जबरदस्त, 3 दिनों से यहाँ गल्ला मंडी में दुकानें लगाई गई थी, सजाई गई थी, काफी भारी संख्या में दुकानें थी, लेकिन आज दुकानों की स्थिति देखिए खाली पड़ी हुई है, थोड़ा सा माल बचा है, लोग जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी खरीद रहे हैं। हमारे साथ छोटे बच्चे खरीद चुके हैं। बड़ा, क्या नाम है आपका? रोहित कुशवाहा। कहाँ से हो? कोरोना से आप आए? क्या लेने आए हो? फटाके? कैसा लग रहा है यहाँ फटाखा खरीदते हुए? अच्छा लग रहा है? फटाखा ले लिया अभी? ले रहे हैं कुछ लिए अभी? अच्छा, महंगे हैं कि सस्ते हैं? कैसे फटाखा है? महंगे चल रहे हैं फटाखा? अच्छा, फिर भी आप फटाखा तो ले जाओगे? अच्छा, घालोगे? क्या क्या फटाखा में क्या लोगे? आपको क्या पसंद है? अच्छा अच्छा, देखिए बच्चों में भी बड़ा खुशहाल यहाँ देखने को मिल रहा है, लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ फटाखा लेने आए हैं, और फिर भी देखिए काफी भीड़ है लोगों की। यहाँ बुजुर्ग भी लोग हैं अपने बच्चों के लिए फटाखा आतिशबाजी खरीद रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, आइए यहाँ भी कुछ और दर्शकों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से। चलिए बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या है, कैसी सेलिंग चल रही है? बढ़िया चल रही है। बढ़िया, पर साल की अपेक्षा क्या सेलिंग ज्यादा हुई? कम हुई? कैसी हुई? ठीक तो हुई है, पर साल से बराबर है लेवलिंग? बराबर है, इस बार कम था माल। अच्छा, इसलिए सेलिंग मतलब बिक्री कम हो रही है? अच्छा अच्छा,
अरे होल जी मैम और इधर चले ये आप अभी यार पे आर्डर लगाओ ना अपने आप से टाइम तक लगाओ अगर ऐसे मान लो ये आपका मेला समाप्त हो जाएगा तो फिर अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लेना है फटाका आतिशबाजी ऐसे कोई चीज चाहिए तो ये कहाँ मिलेगी आपको कुछ भी दुकानें ऐसी है जो अस्थाई है आपका ऐसे मंडी में लगाया गया अच्छा अच्छा नहीं दीपावली के बाद भी यही मिलेगी वही तो पूछ रहे अगर मान लो चलिए जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे दुकानदार वो बता रहे हैं कि हमारे पास लगातार लोगों को अगर दीपावली के बाद भी आतिशबाजी अगर चाहिए है तो हमारे पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है आप संपर्क करके आप आतिशबाजी खरीद सकते हो। लगातार जुड़े रहिए देखते रहिए हमारे साथ। लोगों का दुकानदारों का भी कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष महंगाई के कारण आतिशबाजी की बिक्री कम हुई है। मैं पहुँचा हूँ एक और न्यू दुकान है देखिए कोक ब्रांड के नाम से और यहाँ भी काफी भीड़ है लोग भी यहाँ फटाके ले रहे हैं। दुकान अच्छी सजी हुई है फिर भी बात कर लेते हैं कोशिश करेंगे क्या है पूरी सिस्टम। क्या नाम भाई आपका कहाँ से हो भरल से क्या यहाँ मंडी में फटाके भैया थोड़ा फल मजा भैया भैया अभी अभी पूछते हैं थोड़े भैया से पूछ रहे हैं। अच्छा तो फिर क्या क्या लोगे फटाके दर्शक बता रहे हैं फटाके बहुत महंगे नहीं अब दीपावली का मौसम है कुछ लोग हैं भाई वो भी दुकान लगाए हुए साल भर का तैयारी सही बात आपको कैसा लगेगा चलिए भैया देखो हमारे साथ जुड़े हैं क्या नाम है भाई भूपेन्द्र कहाँ से हो सुल्तानपुर। अच्छा कितने सालों से फटाखा खिला रहे हैं आप? 10 सालों से। अच्छा कितने साल हो गए? 10 साल से फटाखा बराबर चला रहे हैं। अच्छा क्या है और आप अभी भी फटाखा चलाते हो? क्या क्या फटाखे में हम चलाते हैं? बच्चे चलाएंगे आप बच्चों के लिए ले जा रहे हैं? चलो बढ़िया ना तो अब पूजा पाठ हो गई अभी फटाखा लेने आए। देखिए दर्शकों जैसे हमारे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ दर्शक लोग जो कि सुल्तानपुरा से कोई बरल से है कोई करवा से है कुछ छरौना से है तमाम क्षेत्र से यहाँ लोग मैं गल्ला मंडी चिरगांव आए हैं आतिशबाजी के लिए और बता रहे मैं कई वर्षों से जो है फटाके चला रहा हूँ बड़ा खुशी होती है फटाका दिवाली के त्योहार बराबर चलाएंगे बराबर। देखिए हमारे साथ कुछ और छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनसे बात करेंगे बच्चों से अच्छा लगेगा। क्या नाम है भाई आपका? हरमान जी कहाँ से हो? अरमान आप कहाँ से हो? गुटली है गुटली। कहाँ दुकान कहाँ आयो फटाका लेने आयो? अच्छा आप आई सुबह दिख रहे हो क्या फटाका खरीदे नहीं अभी नहीं खरीदे? अच्छा खरीदने के बाद खुश हो जाओगे तो गालोगे घर नाम तो बता दो छोटे। अच्छा शाम को गालेंगे। देखिए अरमान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं फटाका खरीद कर मैं अपने घर पर जाऊंगा बड़े हर्षोल्लास के साथ फटाका को चलाऊंगा। देखिए हमारे साथ और भी हमारे साथ यहाँ कुछ दुकानदार हैं जरा पूछ लेते हैं किस तरीके से बिक्री चली है। भैया क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया दादा आपका? सर क्या कैसी दुकान चली है आपकी? एक ही दिन चली है फटाखों के पैसे बहुत बढ़ गए हैं फटाखों की कीमत नहीं पड़ रही है फटाखे लेने महंगे हैं फटाखे महंगे हो गए डेढ़ काम हो गए। दुकान 3 दिन से लगाई गई थी अभी 3 दिन लगी थी। अच्छा तो पर आप कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 5 तक लग रही है हमारे दादा की। अच्छा तो इस वर्ष क्या कैसा रहा आपकी? अच्छा देखिए यहाँ दुकानदारों के कुछ चेहरे मायूस थे क्योंकि कुछ दिनों से 2-3 दिन से दुकानें लगाई गई थी लेकिन 3 दिनों में आप देख पाओगे कि अच्छी बिक्री नहीं हो पाई लेकिन आज कुछ रात की सांस मिली है कुछ बिक्री हुई है। यहाँ भी इनकी दुकान पर काफी माल भरा हुआ है क्योंकि इनका एक ही रीजन है कि फटाके महंगे थे इसलिए लोगों ने उतना नहीं खरीदा जितना खरीदना चाहिए था। देखिए हमारे साथ और भी बने रहिए दुकान के लगभग खाली होने को है और भैया से बात करेंगे
किस तरीके की सेलिंग चली है, किस तरह की बिक्री चली है, क्या रहा है लोगों को पैसा। देखिए हमारे साथ काफी दुकान पर काफी लोग हैं और हम पहुँच चुके हैं इस दुकानदार के सेठ जी के पास। भैया क्या नाम है भैया? मोहन सिंह। अच्छा मोहन सिंह खान, क्या रहा है जो आपकी दुकान लगाई, किस प्रकार बिक्री चली आपकी? हम आई नहीं जाए महंगा आया, इसलिए थोड़ी कम बिक्री हुई। लेकिन फिर क्या रहा, प्रसाद की अपेक्षा कैसा रहा पिछले वर्ष की अपेक्षा? अच्छा अभी आप पानी दो, पानी दो थोड़ा बहुत माल चलिए फिर भी। लेकिन दर्शकों लेकिन अगर थोड़ा सस्ता होता तो अच्छा। देखिए दर्शकों जैसा कि आप हर दुकान पर मैं जा रहा हूँ तो लोगों से चर्चा भी कर रहा हूँ, लोग यही बता रहे हैं दुकानदार कि इस वर्ष जो है माल महंगा होने के कारण थोड़ी बिक्री कम हुई है और अगर माल यही सस्ता होता तो बिक्री अच्छी होती। क्या गिनने हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं? यहाँ दुकान है, दुकान देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे हैं भैया, क्या नाम है बेटा? किसान जी, क्या लिए हो इसमें? पटाखे ले लिए? कैसा लगा पटाखे खरीदने? अच्छा भानों के पटाखा, आनंद आएगा। अच्छा और अभी अभी और क्या मन हो रहा है दुकानों पर घूम रहे हैं और पटाखा लेने का? बस ले लिए। अच्छा कितने सालों से पटाखा खा लाने खा ला? अच्छा लगता है। देखो भैया क्या नाम भाई? नमस्कार। अपने भी पटाखा लेने और कैसा लग रहा है, या मतलब कैसा दिख रहा है जो पटाखा? यूट्यूबर है भाई, यूट्यूबर, यूट्यूबर। अच्छा यूट्यूबर हो, यूट्यूबर है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है आपको। चलिए देखो हमारे साथ काफी छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, बड़ा हसमुख है और लोग बता रहे हैं अच्छा लगता है दिवाली के दिन फटाका चलाने का। मैं फटाका देखो देखो क्या फटाका ले लिए? क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? पहाड़ी। पहाड़ी से हो? फटाका ले लिए? फटाका घालोगे आप? संभाल के घालना, बिल्कुल अच्छा लगे, खुशी हो रही है। देखिए हमारे साथ हो गया मेरे भाई का बेटा का हमारा नाम क्या फटाका का? बस जम बस कर यार, पापा आ रहे फटाका ले, हम तो नहीं ले रहे। अच्छा कैसा फटाखों के रेट क्या है, कैसा चल रहा है? भैया बहुत महंगा ये फटाखा, दुकानदारी के बारे में महंगाई ज्यादा है इसलिए भैया होली की लग रही 50 रुपया की। 50 रुपया तो शुरू बात है, बताओ क्या करें। फटाखों का जो पैकेट होता है वो कितने का चल रहा है? भैया 2 रुपया का फटाखा भर रहा हूँ, 200 रुपया पचास फटाखा आ रहा है। 100 रुपया हर चीज में बहुत महंगाई है ना, बहुत ज्यादा महंगाई इसलिए फटाखा जो है ले तो रहे हैं लोग लेकिन कम कम ले रहे हैं। ले रहे पूजा हो जाए अपनी वर्ग का है, सही बात है। लेकिन फ्री फटाखा खाते हैं बड़ा आनंद आता है, आनंद का चलिया भैया जो है वो कर लिए। बाल बार में यही रहा दीपावली खुशी आनी का दिवाली ये देगा खा लिए भैया। जिन्हें आने जिन्हें आप फटाखा ले क्या क्या लिया भैया आपको थोड़े दिखाओ के मतलब भैया जी? तो 200 रुपया ही बढ़ा गया है। अच्छा ये कितने का अनार भैया? 50 का है भैया। ओ भाई बहुत महंगा ये जे भी ये है 50 को जो है 200 रुपये फटाखा बहुत महंगा है 200 को पैकेट। देखिए लगातार ये महंगे महंगे फटाखा है हमारे साथ छोटू है, ये क्या है इसका नाम क्या है? ओके कितने का आया ये? 60 रुपए का एक रॉकेट, 60 रुपए का बहुत महंगा, 60 रुपए एक रॉकेट चलाओगे 60 रुपए जाएंगे इसमें और भी फटाखा नहीं होंगे। लोग हमारे साथ चाचा जुड़े हैं, एक हमारे बुजुर्ग हैं, बात कर लेते चाचा। क्या क्या फटाखा ले लिया? फटाखा ले लिया। कैसे है फटाखा, क्या है रेट? छुपा है मन के भाव है वो तो रेट। अच्छा महंगा ही दुकान में ले सकते हो? पहले से महंगे महंगाई के दौर में फटाखा भी पड़ेगी। लेकिन फिर भी लेना है
लेने पड़ेंगे, बच्चे नहीं मानते। सही बात है। देखिए हमारे साथ चाचा जुड़े हैं, बहुत ही बता रहे हैं कि बहुत महंगे महंगे फटाखे इस टाइम पे चल रहे हैं और फिर भी लेना पड़ रहा है, मजबूरी है क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए थोड़े बहुत फटाखा लेना पड़ रहा है लेकिन बहुत महंगे हैं। देखिए चलिए और भी चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। काफी दुकानें सजाई गई थी, ये दुकान है, इस दुकान पर हम बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ नौ युवक जुड़े हैं, आइए थोड़े पास के लिए आइए भाई। हाँ देखो हमारे साथ एक भैया जुड़े हैं, क्या नाम है भाई? गौरव जी, कहाँ से हो? कहाँ से हो? कहाँ लेने आए फटाखा? ओ इनने तो पूरी पन्नी भर ली, देखो इन्हें पूरी पोली धर भर ली, लगभग हमें लगता है 1000 से भी करीब फटाखे पड़े, 1500 रुपए। देखिए ये महंगा, ये 1500 रुपए एक जाएंगे आज फटाखा के साथ दिवाली मनाएंगे। क्या क्या लिया भाई आप? कैसा मतलब कैसा रेट चल रहा है फटाखों का? महंगा है, महंगा बहुत है, पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। फिर आप कितने बजे से आए थे यहाँ? ले रहे हैं लेकिन लगातार लोग बता भी रहे हैं कि लगातार महंगाई के साथ साथ भी लोग फिर भी फटाखों को नहीं छोड़ रहे हैं, फटाखा जरूर लेंगे, मनाएंगे दीपावली यार, मनाएंगे। देखो यहाँ इतनी भीड़ है कि यहाँ अगर लोग जाए तो मतलब बड़ी मुश्किल है बात करना। देखिए यहाँ फिर भी कोशिश करूंगा, यहाँ छोटे बच्चों से बड़ा, यहाँ हमारे साथ कोई बच्चे जुड़े हुए हैं बेटा, यहाँ देखिए क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? जो शर्म रही है, यहाँ फटाखा लेने आइए, बच्चे फटाखा ले रहे हैं। यहाँ देखो छोटा बच्चे है, क्या नाम भाई आप? चल रहे हो लाइव पर, न्यूज में दिखाई दे रहे हो आप? अमन नाम है आपका? क्या फटाखा लेने आए हो? देखिए फटाखा क्या फुचड़िया है क्या? अच्छा देखिए अच्छा 10 रुपए की छोटी छोटी फुलझड़िया, देखिए कितनी महंगा है ये, बच्चे ले फटाखा चलाओगे ना? चलाओगे यार? अच्छा लगता है फटाखा? खुल्ला है, खुल्ला हमने कहा है? अरे दुकानदारों से ले लो। अच्छा तो भाई एक छोटा हमने खुल्ला लेने आया तो भाई हमारा माइक पकड़ लो। दस 20 40 50 ठीक है ठीक है। नैनो फटा फटाखा लेने आए, क्या लेने आए? ले लिए फटाखा? अच्छा ये कौन लेना है? ले लो भाई जी, फोटो ले आए। देखो देखो यहाँ चलो हम चाचा से भी बात कर लेते हैं, थोड़े पास में दर्शन काफी बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ। दादा क्या रहा आज का बाजार, कैसा क्या बाजार रहा? फटाखों की कीमत कैसी चल रही है? सामान चल रही है, सही चल रही है। पिछले वर्ष की अपेक्षा कैसी है महंगाई? महंगाई है, महंगाई है। फटाखा बच्चों को लेने, बच्चों को दिलाने आए हो? सारे बच्चे फटाखा आप जाके घर पूजा पाठ होगी, इतना फटाखों को नहीं रहते। देखिए दर्शकों यहाँ अभी बुजुर्ग भी लोग यहाँ बच्चों को लोग फटाखा दिलाने ले जा रहे हैं क्योंकि इतनी समय भी हो चुका है, पूजा पाठ का समय हो चुका है लेकिन फिर भी लगातार फटाखों की लान नहीं टूट रही है। आप देखिए यहाँ काफी भीड़ है। अभी मैं यहाँ दुकानदारों से बात करूंगा कि कैसा रहा मार्केट। बहुत अच्छा, हमारे साथ कुछ हमारे जुड़ चुके हैं भाई साहब, भाई साहब से पूछ लेते। भैया क्या नाम है भाई साहब का? भरत सिंह। कहाँ से हो? सिंह। देखिए हमारे साथ जाना पहचाना चेहरा है और भाई साहब से हम बात कर लेते हैं, कैसा आज का मार्केट रहा, कब से आए हो? बच्चों को फटाखा दिलाने हैं, कैसा फटाखा? फटाखा महंगाई कैसा है? रेट कैसा? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। चलो आप भी मानो फटाखों दिखा दो ना, बहुत सुना साल में एक बार आता त्योहार। चलिए फटाखे लीजिए, भैया से पूछो इनसे। छोटू फटाखा तुम लेने के बाद कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा? इनसे पूछो, इनसे
खाते हो? अरे बढ़िया फटाई सा, इनसे पूछो जी एक्सपर्ट लोंडे। अच्छा क्या नाम है इसका? ईशान। ईशान जी, क्या तुम ये काली पन्नी में क्या लिए हो? पटाखे। अच्छा फटाखे किस तरीके से चलाए जाते हैं बताइए, आपको जो लाखों लोग देख रहे हैं ठीक है, आप ये बताइए हमारी न्यूज के माध्यम से कि फटाखा कैसे चलाना चाहिए। मतलब अच्छी तरीके से दूर कहीं भीड़ ना हो, या अकेली जगह पे, क्योंकि भाई फटाखा है आग का खेल। वाह देखिए बच्चों भी कितने होशियार हैं, बता रहे हैं कि फटाखा आग का खेल है, बड़े होशियारी के साथ फटाखा चलाना है। और ईशान आप दीपावली के अवसर पर लोगों से क्या कहना चाहोगे? मेरे हैप्पी दीपावली, सभी को बधाई दोगे? और फटाखा चलाने के लिए क्या कहोगे आप, कैसे फटाखा चलाइए? मतलब अच्छे से जलाना चाहिए, अच्छे से फटाखा चलाइए ठीक है। देखिए बच्चे बता रहे हैं सभी को, इस ईशान की तरफ से मैं भी बोल रहा हूँ, ईशान की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली, आपको दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फटाखा को अच्छी तरीके से चलाइए, लापरवाही नहीं रखिए। हम यहाँ कोशिश करेंगे दुकानदारों से बात करने की। भाई साहब चलिए फटाखा ले लीजिए, थोड़ा साइड से लेंगे बात कर लेंगे भैया, दुकानदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुकानदार भैया, बात कर लेते। भैया क्या नाम है दादा? आपकी कौन किस नाम से दुकान है दादा? भैया की है। अच्छा अभी बैठे हो भैया? दिखाइए पूरे फटाखों की, दिखाइए किस तरीके के फटाखा हैं। दुकान काफी भरी हुई है, अभी लगता है बिक्री कम हुई है, क्या कारण रहा? दुकान अंदर घुसने के कारण है। क्या हुआ? कीचड़ है नीचे, जला रहे बच्चा, कीचड़ है में दुकान। चलो तीन सौ। भैया छोटू क्या नाम है आपका? अनोज। अनोज नाम है आपका? अनोज। अच्छा दुकान कैसी चली है आपकी? बढ़िया चली दुकान। दुकान क्या तीन दिन से चलाई लगाई गई थी ना, कल से लगी आपकी दुकान? फिर भी बिक्री वगैरह कैसी हो रही है? 300 बन गए नहीं है? मतलब क्या कारण है कि बिक्री सही नहीं चल रही आगे? ये कारण है कि दरोगा जी ने यहाँ पे लगवा दिया। अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ, वैसे कहाँ लगती थी दुकान? अच्छा उस साइड दुकान लगती थी। अच्छा अच्छा, इस साइड मतलब दुकान लगने से जो है बिक्री में फर्क पड़ा है आपका? अच्छा अच्छा, हाँ लग भी रहा है। देखिए दरअसल ये मासूम सी दुकान पर लोगों का चेहरा नजर आ रहा है, बिक्री कम। पर साल की अपेक्षा कैसी बिक्री हुई है? अच्छा जीरो है। चलिए तो अभी तो फिलहाल आपकी दुकान काफी भरी हुई है। देखिए ये दुकान का स्थान बदल देने से यहाँ दुकान पर फर्क पड़ा है। अंडे आपसे एक बात मैं चाहूंगा कि अगर आपकी दुकान बंद हो दिवाली होने के बाद, अगर किसी दर्शकों को कोई फटाखा लेने हो, गोला बारूद लेना हो, तो क्या मिल जाएंगे आपके यहाँ? अच्छा आपके यहाँ नहीं मिलेंगे ना, केवल दिवाली के अवसर पर ही दुकान लगाई जाती है। चलिए देखिए यहाँ लोगों की काफी भीड़ है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं लोग कि दुकान पर काफी फर्क पड़ा है, महंगाई का दौर है और स्थान बदल दिया गया है। देखिए यहाँ भी दुकानें सजाई गई हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है। आप दिवाली के हमारे ऐसा यूनिट के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? हार्दिक शुभकामनाएं लोगों को।
सावधानी पूर्वक पटाखे चलाने चाहिए, बच्चों को दूर रखना चाहिए। क्या नाम भैया? क्या नाम है? राजू श्रीवास्तव जी। राजू श्रीवास्तव जी यहाँ लग रही है दुकान हमारी 10 साल भाई जक्शन मंडी में और दुकानदारों ने भी बताया कि 3 दिन के लिए हमारी दुकान है कि जो है लाइसेंस बनाया गया था, 3 दिनों की जो दुकान चलाई गई थी, लेकिन 2 दिन दुकानदारी मर्जी के डाउन चली और आज के दिन ठीक ठाक है। कुछ राहत बड़ी खबर है और ऐसे ही खबरों को लगातार दिख रही है हमारे सर्वी के न्यूज के साथ कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ संवाददाता।